सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल बायोलॉजी बॉम्ब। क्या हम लाइव हैं? तो मुझे जल्दी से थम्स अप दे दीजिए इफ एवरीथिंग इज फाइन विद द ऑडियो एंड वीडियो, ताकि आज की इस बेहतरीन सेशन की हम शुरुआत कर सके। ओके चलो बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। यस, सो गिव मी अ थम्स अप इफ एवरीथिंग इज फाइन विद द ऑडियो एंड वीडियो। तो बेटा लास्ट मॉक टेस्ट का अपना डिस्कशन है आज, राइट? चलो एक मुझे थम्स अप दे दो जल्दी से दैट यस ऑडियो एंड वीडियो इज गुड एंड वी आर गुड टू मूव, क्योंकि आज बड़ी ही तेजी से हम आगे बढ़ने वाले। चले ओके, चलो बेटा शुरुआत करते हैं आज की इस बेहतरीन सेशन की। एक मिनट, कुछ सेटिंग मुझे यहाँ पे करनी जरूरी है ताकि ये सिमलेसली रन हो जाए आज का सेशन, है ना? एक मिनट बेटा, सिर्फ एक मिनट का वक्त देना है मुझे। ओके राइट, चलो डन। ओके यस, सो लेट द गेम बिगिंस। बात करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू फोटो रेस्पिरेशन। इट इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ फिक्स कार्बन एंड CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। यस, इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस। बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। ओके, नाउ इट इज इनिशिएटेड इन पेरोक्सिज्म, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिज्म, माइटोकॉन्ड्रिया आर द थ्री ऑर्गेनेल्स इट इज इन्वॉल्व्ड, बट इट इज नॉट इनिशिएटेड इन पेरोक्सिज्म। इट ऑकर्स यूजुअली व्हेन देयर इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल सही है। इट डज नॉट प्रोड्यूस एटीपी और एडीपी, कुछ नहीं बनता। इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस। ओके चलो, तो इसलिए इस सवाल का जवाब आ जाता है 2। ओके वेरी गुड। नाउ थ्रू नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फ्रेड हर्शे और चेस एक्सपेरिमेंट में they confirmed that the DNA is a hereditary material. Yes, इन्होंने एक unequivocal proof दिया था that DNA is a hereditary material. Which method did they use to determine this? उन्होंने कौन सी method यहाँ पे use किया था? उन्होंने क्या किया था बेटा? सल्फर और फॉस्फोरस, रेडियोएक्टिव सल्फर और रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस का उन्होंने यूज किया था। प्रूव कर दिया था कि भाई ये जो बैक्टीरियोफेज है इसमें ये चीज हो रही है, जेनेटिक मटेरियल इज द DNA. So the answer is radio labeling of DNA and proteins. So answer is 3rd. Okay, सही है, बढ़ते हैं आगे। Which of the following statement is true for DNA replication? DNA replication occurs in a template independent manner. नहीं भाई, template तो लगेगी आपको। ओके तो ये तो गलत हो गया। DNA replication is semi-conservative, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। DNA replication involves many origin of replication in all organism. ROP replication of origin, right? तो ये जो है हमारे इसमें तो कई सारे होते हैं, लेकिन all organism नहीं, प्रोकैरियोट्स में एक ही होता है। ओके तो ये गलत हो गया। डीएनए रिप्लिकेशन डज नॉट फॉलो प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरी, ये भी गलत। सो करेक्ट स्टेटमेंट इज 2। सही है, बढ़ते आगे। अ वाटर बॉडी विद हायर अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट शोज ऑल ऑफ द फॉलोइंग फीचर। ऑर्गेनिक वेस्ट बहुत ज्यादा है, अगर ऑर्गेनिक वेस्ट बहुत ज्यादा है तो क्या होगा भाई? तो उसमें जितना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट उतना ही ज्यादा उसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी। तो डिक्लाइन इन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये गलत हो गया, राइट? क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए आपको ऑक्सीजन लगेगा, उसको आप मेजर कर सकते हो लैब में कि भाई कितना ऑक्सीजन इसको चाहिए, डिपेंडिंग ऑन दैट आप ये बताते हो कि इसमें इतना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है। सो आंसर इज 4 बेटा। ओके ये आएगा। इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। सो डिक्लाइन इन बीओडी, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर उतना इंक्रीज इन बीओडी होगा, नॉट डिक्लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्बिबिशन क्या है? इम्बिबिशन भाई क्या है बताइए जरा। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, राइट? सॉलिड्स और कोलॉइड्स कुछ चीजों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसे हम इम्बिबिशन कह रहे हैं। सो आंसर इज 1, राइट? आंसर इज 1, सही है बेटा, सही है। बढ़ रहे हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफोनिक्स हैज बीन सक्सेसफुली एम्प्लॉयड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? एनसीईआरटी ने दिया है कि भाई हाइड्रोफोनिक्स का हम यूज करते हैं, तो मतलब किस चीज के लिए? भाई टोमेटो, लेट्यूस, सीडलेस कुकुम्बर के लिए हम यूज करते हैं। जैकफ्रूट की भाई कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट है। ये तीनों के नाम दिए हैं, अगर आपको तीनों के नाम पता है तो आप आराम से इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, तो दैट इज जैकफ्रूट। बढ़ते आगे। मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी, बात हो रही ग्रीन एल्गी की, तो मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इसमें कौन से मेजर पूछा है? सो मेजर कौन से? भाई क्लोरोफिल A एंड B, सही है, दैट इज A एंड B, सही है। ओके क्लोरोफिल तो सब में रहेगी, उसके बाद ग्रीन, रेड और ग्रीन, ब्राउन और रेड में BCD इस टाइप से जाएगा रिस्पेक्टिवली। बढ़ते आगे। मियोसिस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है बताइए जरा, मियोसिस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? यस, सिक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिविजन्स, 2 साइकिल्स ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, ये तो बिल्कुल भी नहीं होता। पेयरिंग ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होता है, राइट? सिक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर और सेल डिवीजन सिक्वेंशियली होते हैं, राइट? तो ये सही है बेटा, दैट इज आंसर इज सेकंड। बढ़ते आगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट इजीली स्टडीड ड्यूरिंग। अगर क्रोमोसोम को मुझे स्टडी करना है तो क्रोमोसोम सबसे ज्यादा हाईली कंडेंस फॉर्म मुझे कहाँ पे स्टडी कर सकता हूँ मैं स्टडी कर सकता हूँ क्रोमोसोम को। अगर स्टडी करना है तो टिपिकल एनसीईआरटी की लाइन दैट इज मेटाफेज, दैट इज मेटाफेज। ओके बेटा, ये जो स्टेटमेंट है ना, इट इज अ मियोसिस इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ 4 हैप्लोइड्स एट द एंड ऑफ मियोसिस, ये भी सही है। एक्चुअली इसमें हम लोग 1 डालना भूल गए थे, ओके तो ये गलत हो जाता। ओके एट द एंड ऑफ मियोसिस 2 4 हैप्लोइड सेल बन जाएंगे। बढ़ते आगे, तो जिन्होंने 1 अभी मार्क किया वो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़ते आगे, दैट इज मेटाफेज 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बारे में बताइए जरा कि क्या क्या सही है। पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेस कन्वर्ट करता है एसिडिल डिहाइड टू इथेनॉल, नहीं भाई ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस, 36 एटीपी तो बिल्कुल नहीं बनेंगे। CO2 तो रिलीज होता है, ये भी गलत हो गया। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस सही है, ओके बिल्कुल सही। बढ़ते आगे, कॉटन वेराइटीज डू नॉट अटैक बोलवॉर्म व्हिच है। बेटा एनसीईआरटी ने हमें बताया कुछ प्लांट्स के पास, कुछ क्रॉप्स के पास कुछ फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो अलग अलग पेस्ट को रिपेल कर पाते हैं, जैसे कि कॉटन वॉर्म। भाई ये बोलवॉर्म को अपने पास नहीं आने देता, क्यों? क्योंकि ये जो कॉटन है उसकी लीव्स ऐसी स्मूथ होती है, नेक्टरलेस होती है, तो बोलवॉर्म के लिए वो अट्रैक्टिव नहीं है, वो कहता है हट कौन जाएगा इसके पास। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा बेटा, राइट? तो इसका जवाब आ जाएगा आपका ये लीव्स वाला, स्मूथ लीव्स सही है। बढ़ते हैं आगे, यस बढ़ते आगे। ड्यूरिंग अल्टीट्यूड सिकनेस एज हाई अल्टीट्यूड क्या क्या चीज इंक्रीज होगी? भाई अल्टीट्यूड सिकनेस पे, ड्यूरिंग अल्टीट्यूड सिकनेस एज हाई अल्टीट्यूड उसमें क्या चीज आपको दिखाई देगी, क्या चीज इंक्रीज होगी? ब्रीदिंग रेट आपका इंक्रीज होगा, राइट? ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होगा, बॉडी कोशिश करेगी ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन वो ले ले, सही है ओके। बाइंडिंग ऑफ कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू ऑक्सीजन, ये क्या होगी? मतलब ऑक्सीजन रिलीज करने की कोशिश करेगी बॉडी ज्यादा से ज्यादा टू द टिश्यू, तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड। बढ़ते आगे, मैन मेड इकोसिस्टम आर कैरेक्टराइज्ड बाय, मैन मेड इकोसिस्टम मतलब क्या? जैसे कि आपने कोई पॉन्ड बना लिया, राइट? पॉन्ड में लोग नहीं कि फिश को ग्रो करते हैं ताकि कमर्शियल लेवल पे हम उसको ग्रो कराते, वो भी तो अपने एक इकोसिस्टम है। तो उसका क्या फीचर है भाई? हाई प्रोडक्टिविटी, ये उसका फीचर है। हाई डाइवर्सिटी, कॉम्प्लेक्स फूड्स, ये सब उसमें नहीं होता है। उसमें एम ये होता है मैन मेड इकोसिस्टम का, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी आपको चाहिए, आपको फायदा चाहिए, इसलिए तो आप उस इकोसिस्टम को डेवलप करें, सही है ओके। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 14, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द रूट टिप फ्रॉम द फॉलोइंग। इसके बारे में बताइए जरा, इनकरेक्ट पूछा है तो रूट हेयर्स जो है ये कौन से रीजन से आते हैं? सबसे एंड में जो रीजन होता है जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक डिवीजन, उसके पहले जोन ऑफ एलोंगेशन, उसके पहले आ जाता है जोन ऑफ मैच्यूरेशन। तो वहां से हमें एपिडर्मिस इन द रीजन ऑफ, वहां से हमें दिखाई देते, नॉट फ्रॉम द रूट। रीजन ऑफ एलोंगेशन से ये नहीं आते, ये आते हैं जोन ऑफ मैच्यूरेशन से, रूट है। यस वेरी गुड बेटा, एक्सलेंट। बढ़ते आगे, जेनेटिक मटेरियल आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए इन बैक्टीरिया इज, भाई जेनेटिक मटेरियल कौन सा है जो डीएनए के बाहर है? ये जो बैक्टीरिया है इसके पास ये रहता है, राइट? इसके बाहर ये रहता है, ये क्या है भाई? ये रहता है सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, राइट? प्लाज्मिड कह रहे हैं हम। बढ़ते आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डू नॉट डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट कौन सा नहीं करता है दोनों को, राइट? डू नॉट डिफरेंशिएट प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल करेक्टली। तो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, ये तो गलत हुआ, उसमें तो नहीं होता, राइट? प्रोकैरियोटिक सेल सेंट्रियोल्स आर अब्सेंट, सेंट्रियोल्स अब्सेंट होते हैं, ये तो सही है। सेंट्रियोल्स आर यूजुअली प्रेजेंट, हालांकि सेंट्रियोल्स आर यूजुअली प्रेजेंट, ये भी सही है। राइबोसोम्स आर ओनली 70S टाइप, राइबोसोम्स आर ओनली 80S टाइप, ये तो गलत हो गया। ओनली तो नहीं होता भाई, ओनली तो नहीं होता है ना, तो क्योंकि हमारे राइबोसोम में यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, हमारे पास तो दोनों राइबोसोम होते हैं, एक होता है 80S और जो क्लोरोप्लास्ट माइटोकांड्रिया के अंदर 70S, तो ये भी गलत। हैविंग सिंगल सेल एनवेलप सिस्टम, इसके पास एनवेलप सिस्टम नहीं होती है, राइट? कोई भी एनवेलप ऑर्गेनेल्स इसके पास नहीं होता, सही है। राइबोसोम ओनली 70S, बेटा राइबोसोम ओनली पूछा है, ओनली की वजह से गलत हो रहा है, ओनली नहीं चाहिए था, ओके सही है। बढ़ते आगे, ओनली नहीं चाहिए था। राइबोसोम हमें कौन सा होता है? यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम होता है, बिल्कुल सही बात है, और साथ में क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपके पास 70S भी होता है, राइट? बढ़ते आगे, इन केस द मॉडिफाइड अलील इज इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड अलील। तो ये जो अलील होता है, एक होता है एनसीईआरटी क्या कहती है कि भाई अलील जो नॉर्मल अलील है एनसीईआरटी कहती है कि दैट इज अनमॉडिफाइड अलील। जैसे कि मान लो ये अनमॉडिफाइड अलील है, एक जीन है, ये क्या कर रहा है एक प्रोटीन बना रहा है, लेट से ये इस तरीके से प्रोटीन बना है जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर ग्रोथ हो रही है। ओके नाउ अब एनसीईआरटी क्या कहती है इस अलील में कभी कभी कुछ बदलाव आ जाते हैं जिसे हम म्यूटेशन कह रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन नहीं बन पाता, जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो पाती। बात हो रही है कि ये अनमॉडिफाइड अलील ये जो मॉडिफाइड अलील है ये अनमॉडिफाइड अलील के जैसा ही है। बात हो रही है इनकेस द मॉडिफाइड अलील इज इक्वल टू द अनमॉडिफाइड अलील, तो क्या होगा, तो भाई ये भी सेम ही प्रोटीन बनाएगा, मतलब फिनोटाइप बिल्कुल आपको सेम दिखेगा, इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप। सही है। एनसीईआरटी का पैराग्राफ है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, द ट्रेट व्हिच इज ट्रांसमिटेड बाय क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, कौन सा सेक्स लिंक्ड ट्रेट है जो क्रिस क्रॉस ट्रांसमिट होगा। ओके एंड इट इन्वॉल्व्स द डिफेक्ट इन ब्लड कोटिंग, मतलब क्रिस क्रॉस भी चाहिए ब्लड कोटिंग भी चाहिए। ये कौन है, सिंपल है बेटा, ये कौन है, यस ये कौन है बेटा, यस वेरी गुड हीमोफीलिया, यस यू आर राइट दैट इज अ हीमोफीलिया। बढ़ते आगे, नाउ सिलेक्ट द इनकरेक्ट वन फॉर यूग्लिनॉइड। इनकरेक्ट पूछा यूग्लिनॉइड के, अगर हम इसका आंसर बेटा हीमोफीलिया है, ब्लड वाला, ब्लड क्लॉटिंग में, और जैसे ही सेशन एंड होगा आपको ईमेल पे भी ये चीज मिल जाएगी। सिलेक्ट द इनकरेक्ट वन फॉर द यूग्लिनॉइड, क्लोरोफिल पिगमेंट है, दे कैन बी प्रीडेटर ऑन स्मॉल ऑर्गेनिजम्स क्योंकि ऑटोट्रॉपिक एंड समटाइम्स हेटरोट्रॉपिक, दे हैव टू लॉन्ग सिलिया, दे लैक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी सही है, हालांकि एनसीईआरटी ने इस चीज को नहीं दिया बट अदरवाइज ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ एमसीक्यू है कि दे लैक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे हैव टू लॉन्ग सिलिया नहीं, ओके डायनोफ्लैजिलेट्स के पास होंगे इसके पास नहीं, तो थर्ड आंसर गलत आएगा। सही है बेटा। बढ़ते आगे, विच वन among the following algae produces isogomata, तो अगर मैंने बात की तो मैंने कहा कि ऊगैमी के बारे में हमने क्या कहा था, ऊगैमी की हमने बात की थी कि एक फीमेल है, ओके उसके ऊपर फोकस आ जाता है तो वो कहती है ऊ, दैट इज ऊगैमी। फोकस मतलब फ्यूकस, फ्यूकस ऊगैमी शो करता है बेटा। ओके और ये जो फोकस डाला वोल्वो ने डाला तो वोल्वो क्या रहा, फ्यूकस, ये ऊगैमस है राइट। यूरोथिक्स यहाँ पे नहीं है, इट इज अन दैट इज आइसोगैमस गैमेट शो करता है। सही है बेटा। बढ़ते आगे, गुड। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द बायोगैस प्रोडक्शन। बायोगैस प्लांट्स आर मोर ऑफन बिल्ट एट द रूरल प्लेस। हाँ यार ओके, रूरल एरिया में गवर्नमेंट इसको बढ़ावा दे रही है। मिथेनोजन ग्रो एरोबिकली ऑन सेलुलोजिक मटीरियल एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मिथेन, ये तो सही है लेकिन ये एरोबिक नहीं है बेटा, है ये अनएरोबिक डाइजेशन है। बायोगैस इज हाईली इन्फ्लेमेबल, इंडिया इट हैज मेनली डेवलप्ड ड्यू टू आयरन केवीएससी, बिल्कुल सही बात है, गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया, तो आंसर आएगा 2। सही है, वेरी गुड बेटा। करेक्ट इनकरेक्ट में बहुत ध्यान से सुनना है, जैसे आप इनकरेक्ट वर्ड देखोगे उसके नीचे ऐसे ऐसे अंडरलाइन कर देना और ऐसे टिक मार्क करते हो जाना ताकि आपसे गलती से भी गलती ना हो। सिलेक्ट द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमस। ह्यूमस के बारे में बात कीजिए, इट इज स्लाइटली एसिडिक, कोलाइडल नेचर का होता है, रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट है, धीरे धीरे न्यूट्रिएंट रिलीज करता है इसलिए तो उसको एज अ फर्टिलाइजर भी यूज करते हैं। रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन नहीं, रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन डेट्रिटस राइट, तो ये गलत हो गया। सही। बढ़ते आगे, डेवलप सुपेरियर ओवरीज एंड आर वन सीडेड इन फ्रूट्स, फ्रूट्स विद सुपेरियर डेवलप फ्रॉम द सुपेरियर ओवरीज, और जो वन सीड होते हैं डेवलप मोनोकॉर्पोरेरी, ये कंडीशन आपको कहाँ पे दिखाई देती है, पर्टिकुलरली कंडीशन आपको ड्रूप में दिखाई देते हैं, जैसे कि मैंगो हो गया, कोकोनट हो गया, वहां पे हमें ये दिखाई देते हैं सुपरओरोसी डेवलप हो रहे राइट, वन सीडेड है दैट इज कोकोनट। बढ़ते आगे, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैचेस फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट पूछा है भाई, स्क्लेरिस टी लीव्स में होते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ओके कोलेनकैमा हैव अ लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस, कोलन क्या मान, ये तो मैकेनिकल टिश्यू है यार, लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं, ये गलत हो गया। पैरेन्कामा फूड का स्टोरेज भी करता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है, स्क्लेरेन्कामा मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है, तो आंसर इज 2। सही है। बढ़ते आगे, द ऑर्गेनेल दैट कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ प्लांट सेल, ये जो प्लांट सेल है उसके बाहर सेल वॉल है, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंड साइटोप्लाज्म है राइट, तो सेल विदाउट सेल वॉल इट इज कॉल्ड एज, ध्यान से देखो ये कौन है, लार्जेस्ट 90% ऑफ द वॉल्यूम से इतना ज्यादा कौन वॉल्यूम कर रहा है, वो जो इतना ज्यादा वॉल्यूम इंक्लोज कर रहा है ये इतना बड़ा, इट इज बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड एज स्टोनोप्लास्ट। सही है, इट इज सही है, दैट इज थर्ड। यस वेरी गुड बेटा, यस वेरी गुड, वैक्यूल गुड, वेरी गुड। 90% तक इंक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, सेल की साइज बढ़ा देता है। ओके ये हमने कहा पे पढ़ा था, जोन ऑफ एलोंगेशन में वैक्यूल बड़े बड़े होते हैं। अ सन टू बी कलर ब्लाइंड, ये जो सन है ये कलर ब्लाइंड है, दैट इज XYC। ओके नाउ अब बात हो रही है इसके पेरेंट्स के बारे में। इसको Y किसने दिया? इसको Y दिया इसके फादर ने, बिल्कुल सही बात है। इसको X किसने दिया? इसको X दिया इसके मदर ने। ओके तो मदर XCX भी हो सकती है, XCXC दोनों कुछ भी हो सकता है। देखते हैं ऑप्शन क्या बात कर रहा है। सो मस्ट हैव अ कलर ब्लाइंड फादर, नहीं ऐसा तो नहीं है। मस्ट हैव अ नॉर्मल मदर एंड कैरियर फादर, मस्ट हैव अनअफेक्टेड पेरेंट्स, ये भी नहीं है। कैन हैव अ करियर मदर एंड अ नॉर्मल फादर, बताइए जरा क्या होगा। यस तो हमने यहां पे जो कंडीशन देखी है, देखो कि ये जो मदर है ये कैरियर भी हो सकती है, अफेक्टेड भी हो सकती है, लेकिन फादर नॉर्मल है। सही है, बढ़ते आगे। यस इन द थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम द ऑर्गेनिज्म विद पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल में किसके पास होती है पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल? बैक्टीरिया के पास। तो बैक्टीरिया दैट इज मोनोरा, दीज आर इंक्लूडेड इन द डोमेन, किस में इंक्लूड किया है? यस बैक्टीरिया से जिसके पास पेप्टिडोग्लाइकन वॉल है, बिल्कुल सही बात। बढ़ते आगे, सही है, जा रहे बेटा सही जा रहे। ओके फाइन, बढ़ रहे हैं आगे। विच अमंग द फॉलोइंग बायो कंट्रोल एजेंट इज यूज टू कंट्रोल द बटरफ्लाई कैटरपिलर? ध्यान से देखना, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत ज्यादा एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं लास्ट 2 से 3 सालों में। इसके ऊपर एमसीक्यू आने की बहुत ज्यादा संभावना है। बटरफ्लाई कैटरपिलर को मारने के लिए हम क्या करते हैं? स्पोर को पानी में डालते हैं, उसका स्प्रे कर देते हैं। वो स्पोर्स बैसिलस थरुंजिनेसिस की होते हैं। तो ये बहुत ध्यान से देखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नैरो स्पेक्ट्रम में बाकी के पेस्ट को कुछ नहीं करता, जिसको टारगेट कर रहे हो उसको ही मारता है। इन रोजेट हैबिट प्लांट, रोजेट हैबिट प्लांट जैसे मैं नाम सुनता हूँ तो मेरे सामने क्या आना चाहिए? अरे रोजेट हैबिट, बोल्टिंग, एलोंगिंग, डिलेइंग, माल्टिंग, ये सब वर्ड हमने कहा पे पढ़े। सिंपल गिबरलिक एसिड, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। सही है, यस वेरी गुड। बढ़ते आगे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयोनिक बैलेंस इन द ब्लड, बिल्कुल सही बात है। पीसीटी करेगा, ओके डीसीटी भी करेगा, कलेक्टिंग डक्ट भी करेगा। बोमेस कैप्सूल इसमें कहा इन्वॉल्व है यार, है ना? वो पीएच वेस को मेंटेन नहीं करता, उसका काम है सिर्फ फिल्ट्रेट को बनाना। ओके बढ़ते आगे, दैट इज बोमेस कैप्सूल। बढ़ते आगे, ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज रिक्वायर, मैंने आपको बताया था कि अब इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसलिए आपको फाइनल एक बार बता रहा हूं, अगर आपको बात सुननी है तो दैट इज योर डिसीजन। क्रॉस ब्रिज फॉर्म करने के लिए, दैट इज एक्टिन मायोसिन का बॉन्ड बनाने के लिए एटीपी की जरूरत होती है। इस क्रॉस ब्रिज को ब्रेक करने के लिए भी बाइंडिंग ऑफ एटीपी इज नेसेसरी, राइट? बाइंडिंग ऑफ एटीपी इज नेसेसरी टू ब्रेक दिस बॉन्ड। एनसीईआरटी ने क्लियर कट दे रहा है, हायर लिटरेचर में पढ़ोगे तो भी ये चीज आपको दिखाई देती है। कुछ बच्चों का ये कहना था कि सर ऐसा नहीं होता है, जब बॉन्ड बनता है तब एटीपी लगता है, और जब एक्टिन मायोसिन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो एटीपी फॉर्म होता है। कुछ एटीपी फॉर्म नहीं होता वहां पे, ओके तो एटीपी यूज होगा बेटा। सही है, बढ़ता है आगे का। अ ग्रुप ऑफ एनिमल रिलेटेड बाय डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर लाइक जनरल अपीयरेंस, फीचर, साइज, कॉन्फिगरेशन आर सेड टू बिलोंग टू। जैसे कुत्ते की अलग अलग क्या होती है? ब्रीड्स होती है, राइट? जो बिल्कुल मतलब सिमिलर अपीयरेंस होते हैं, फीचर सिमिलर होते हैं, एक दूसरे के साथ क्रॉस भी कर सकते हैं, दैट इज ब्रीड। सही है, मतलब प्लांट के केस में हम इसे वेराइटी कहते हैं, एनिमल्स के केस में इसे ब्रीड कहते हैं। सही है बेटा, बढ़ते आगे। 33 फाइंड ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शंस ऑफ अ किडनी इन एन एडल्ट ह्यूमन। ऑड वन पूछा है, भाई किडनी क्या हार्मोन को सिक्रेट करती है? ग्लूकोज सिक्रेट करती है। प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स इन द बॉडी, जैसे यूरिया को बिल्कुल करती है, राइट? प्ले सेंट्रल रोल इन द रेगुलेटिंग द ब्लड वॉल्यूम, बिल्कुल सही करती है। एरिथ्रोपोइटिन को प्रोड्यूस कर रही है। प्रोड्यूस यूरिया फ्रॉम अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं ये किडनी नहीं करती। ये कौन करता है? क्या कोई मुझे बताएगा? यस ये बताइए जरा कि भाई ये कौन करता है? प्रोड्यूस यूरिया फ्रॉम अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यस एनीबडी? यस यूरिया साइकिल के थ्रू होगा, लेकिन ये यूरिया साइकिल कहां पे होगी? वेरी गुड बेटा, लीवर में होगी। ओके एक्सेलेंट। चलो, देयर इज नो कैपिलरी सिस्टम इन ऑल ऑफ द गिवन इनवर्टिब्रेट। कैपिलरी सिस्टम किसमें नहीं है बताइए जरा। यस, तो किस में आपको नहीं दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी एक्सेप्ट पूछा है, एक्सेप्ट मतलब किसके पास कैपिलरी सिस्टम है, उल्टा क्वेश्चन है। ओके, कैपिलरी सिस्टम मतलब क्या? क्लोज सर्कुलेशन। किसके पास है बेटा? निरेथिस। ओके यस, क्लोज सर्कुलेशन। इसके बाद आर्थ्रोपोडा में फिर से ओपन सर्कुलेशन। कार्डियक मसल फाइबर कैसे होते हैं भाई? सिलेंड्रिकल होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं, यूनिन्यूक्लेटेड होते हैं, कुछ स्मूथ मसल के फीचर, कुछ स्केलेटल मसल के फीचर, राइट? दैट इज द दैट आर दोस आर द फीचर्स ऑफ द कार्डियक मसल फाइबर। सही है, बढ़ते आगे। 36, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट यूज एज द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन? भाई सिलोम के बेसिस पे करते हैं हम, सिलोमिट और सिलोमिट, बॉडी सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री बिल्कुल करते हैं क्लासिफाई। सेल के बेस पे हम करते हैं, टिश्यू बना रहे, ऑर्गन बना रहे, क्या बनाया। प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ग्रोथ के बेसिस पे हम नहीं करते इनका क्लासिफिकेशन। बढ़ते हैं आगे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इवेंट्स इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सेप्ट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या इन्वॉल्व नहीं होगा? गैमेटोजेनेसिस बिल्कुल होगा, गैमेट ट्रांसफर होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस भी होगा, बिल्कुल सही है, ये सब चीजें होगी, एम्ब्रियो फॉर्म होगा, डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग, दिस इज नॉट द फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये गलत हो गया। सही है, यस, दिस इज अ फीचर व्हिच इज डिस्क्राइबिंग द पार्थेनोजेनेसिस। यू आर राइट बेटा, गुड। चूज द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग, राइट? कॉर्पस ल्यूटियम, रिलैक्सिन इज सीक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। कुछ गलत हुआ है कि इसमें, है ना? रिलैक्सिन को तो अच्छा ओवरी सीक्रेट कर रही है। ओके गुड, ओके इनकरेक्ट पूछा है, ओके इनकरेक्ट पूछा है। ओके, ब्लास्टुला इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस इन द ब्लास्टुला स्टेज, ओके गुड। ट्रोपोब्लास्ट, इट इज द आउटर लेयर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, ओके। पार्चुरेशन, ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी, दिस इज नॉट द पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ, एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ। यस बेटा, यहाँ पे जेस्टेशन होना चाहिए, वेरी गुड, यस गुड, बहुत सही जा रहा बेटा, गुड। ये ऐसे इस तरीके से आपको एनालाइज करना है कि भाई ये गलत है तो ये क्यों गलत है, ऐसे, वेरी गुड। चूज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन व्हिच कॉजेस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन फॉर पार्चुरेशन, राइट? मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन सा है पार्चुरेशन के लिए? भाई ऑक्सीटोसिन है, जो यूटरस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, प्यूबिक सिंपैथिस को रिलैक्स करता है। ऑक्सीटोसिन इन रिस्पॉन्स टू फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स सीक्रेट होगा, सही है, यस गुड, ऑक्सीटोसिन। बढ़ते आगे। सिलेक्ट द अनकॉमन फीचर बिटवीन फेरिटिमा एंड टीनिया। अनकॉमन फीचर पूछा है भाई, दैट इज टीनिया की अगर हम बात करें, प्लेटी की अगर हम बात करें, प्लेटी लेमेंथिस, बायलैटरल सिमेट्री, दोनों में बोथ आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, बिल्कुल सही बात है, दोनों ट्रिप्लोब्लास्टिक, बोथ आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट, बायसेक्सुअल, ये जो वर्ड्स है ये यूज किए जाते हैं जैसे एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है, दैट इज हर्माफ्रोडाइट, दोनों है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ये बताइए भाई कौन सा सही है? भाई ये यहाँ पे गलत हो रहा है। अगर आप फेरिटिमा देखोगे अर्थवॉर्म, तो वो क्या करता है, अर्थवॉर्म ऐसे कुकून में अपने एग ले करता है, उधर से मेल आते हैं, उसके पास स्पर्म छोड़ देता है, मतलब फीमेल ही है जिसके पास स्पर्म आ चुके थे, वो इस एग को रिलीज कर दिए, तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है फेरिटिमा में, सही है, तो फोर्थ इज द राइट। बढ़ते हैं आगे। 41, द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड अमंग द फॉलोइंग इज। सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड बताइए भाई जरा, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड कौन सा है? यस, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड ये रिपीट है, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर इसका, हमने इसके पहले भी देखा है, तब भी मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, दैट इज ग्लाइसिन, सही है। बढ़ते आगे। 42, चूज द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू डायबिटीज मलाइटस। डायबिटीज मलाइटस मतलब क्या? ग्लूकोज की लोड बहुत ज्यादा होगी, इतनी ज्यादा होगी कि किडनी से बाहर जा रहा है ग्लूकोज, ग्लाइकोसियूरिया इतनी ज्यादा लेवल होगी, मतलब ये जो सेल्स है ये ग्लूकोज जो है सेल के अंदर नहीं जा पा रहा है, तो ये सेल एनर्जी लेने के लिए फैट को ब्रेक करता है, इसलिए कीटोन बॉडीज एज अ बाय प्रोडक्ट यूरिन में जाने लगती हैं। ओके, पॉली यूरिया भी होता है, इसमें हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता, हाइपरग्लाइसीमिया होता है, सही है बेटा, ओके। बढ़ते आगे। द स्टेपी सेट्स वाइब्रेशन टू, मैंने आपको बताया था एसओ एसओ सो 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 सो, ऐसे कुछ याद रखो, स्टेपी सेट्स वाइब्रेशन टू, यस ओहल विंडो, बिल्कुल सही बात। आगे बढ़ते हैं। 44, व्हाट इज द एंटीसेंस टेक्नोलॉजी? ओके, एंटीसेंस आरएनए की जब हम बात करते हैं उसके बारे में बात हो रही है, व्हेन अ पीस ऑफ आरएनए इज यूज्ड टू स्टॉप द एक्सप्रेशन ऑफ अ स्पेसिफिक जीन, सही है, एंटीसेंस टेक्नोलॉजी, आरएनए इंटरफेरेंस में हम इसको पढ़ते हैं, सही है, ओके। भाई डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का। लैक्टेशनल अमीनोरिया कब तक इफेक्टिव होता है? लैक्टेट अमेनोरिया, इसके लिए हमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग लगेगी अप टू द 6 मंथ्स, राइट। डिलीवरी के बाद अप टू द 6 मंथ ये चीज आप मतलब एज अ स्टरलाइजेशन होगा, सही है। ओके, बढ़ते हैं आगे। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सर्जिकल बर्थ कंट्रोल मेथड। इनकरेक्ट पूछा है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्टरलाइजेशन प्रोसीजर। ये तो सही स्टेटमेंट है। ओके, इन मेल इट इज स्टमैक वैसेक्टोमी, इन फीमेल इट इज स्टमैक ट्यूबेक्टोमी। ओके ओके, दे आर टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज। इनकरेक्ट पूछा है, ये बताइए बेटा। सर्जिकल बेटा ये तो इरिवर्सिबल होते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। इन मेल इट इज टर्म है वैसेक्टोमी एंड इन फीमेल इट इज टर्म है ट्यूबेक्टोमी। इसको आप इरिवर्सिबल को गलत क्यों बता रहे हो? दे आर मोस्टली इरिवर्सिबल ऐसे दिया है एनसीईआरटी ने, इसलिए हाँ पुअर रिवर्सिबिलिटी ऐसे दिया है। ओके, इस तो इनकरेक्ट पूछा है, दे आर टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज। बताइए जरा, सही सवाल था ये तो। पुअरली रिवर्सिबल की वजह से एक्चुअली मतलब सभी आंसर्स बहुत क्लोज है बेटा, बी केयरफुल, बहुत ही क्लोज है। ओके, तो दीज आर द मेथड्स आर इरिवर्सिबल, तो इसमें चांसेस कम है, फिर भी इसमें बहुत चांसेस कम है, तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान से देखना आप। ओके, नियरली रिवर्सिबल दिया है, यस, इसलिए गुड। So that's a 4. A few step of recombinant DNA technology are given. Actually बेटा ये जो है ना ये completely irreversible इसलिए हम नहीं बोलते हैं, जब आप उसको निकाल ही दोगे तो completely irreversible आप बोलोगे, वहां पे हम सिर्फ टाई करते हैं इसलिए। Completely irreversible मतलब किसी का आपने यूटेरस से निकाल दिया, that is completely irreversible इसलिए। A few step of recombinant DNA technology are given below, which is the last step among the given option. Recombinant technology का लास्ट ऑप्शन पूछा है बेटा, लास्ट ऑप्शन। सो आइसोलेशन विस्फुल जीन यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ओके, फिर उस जीन को टारगेट सेल के ऊपर ट्रांसफर करो। ओके, ट्रांसफर ऑफ डिजायर्ड जीन इनटू सुटेबल वेक्टर पे लगाओ, फिर सेल के अंदर डाल दो। ओके, और फाइनली जो होस्ट सेल है उसको स्क्रीन करो कि वो ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो यहाँ पे पूछा है लास्ट वन, दैट इज द स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग आएगा बेटा, इन चारों में से लास्ट स्क्रीनिंग आएगा। आप एक जीन लोगे, वेक्टर के ऊपर डालोगे, उसको बोलोगे कि होस्ट के सेल के अंदर लेके जाए, फिर होस्ट के सेल के अंदर गया नहीं गया, सेल ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ, ये आप एंड में चेक करोगे। तो दैट इज द लास्ट स्टेप इन चारों में से। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी चोजन। ये हम रिपीट कर रहे हैं एमसीक्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ने भी दिया है। लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन हमें अगर प्रोड्यूस करना है तो हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस कल्चर यहाँ पे लेते, कंटिन्यूअस कल्चर हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, सही है बेटा। ओके चल, ओके, द लेयर ऑफ अ हार्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंस इन द थिकनेस ऑफ वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल एंड एट्रिया। भाई एट्रिया और वेंट्रिकल आपको पता है कि वेंट्रिकल्स की थिकनेस ज्यादा होती है। ओके, नाउ वेंट्रिकल्स में भी लेफ्ट वेंट्रिकल की थिकनेस ज्यादा है क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लड पंप करता है पूरे बॉडी में। तो ये जो डिफरेंस, किसका डिफरेंस है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम के एंडोकार्डियम, किसका डिफरेंस? क्या बात है, वेरी गुड है, मुझे लगा था ये तो आपको पता नहीं होगा, बट आपको पता है, वेरी गुड, एक्सलेंट, दैट इज मायोकार्डियम, सही है, गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल आर नॉट एक्सक्लूसिवली मरीन? नहीं, विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली मरीन। इकाइनोडर्मेटा बिल्कुल है, टीनोफोर्स बिल्कुल है, राइट। कौन सा नहीं है, नहीं पूछा है, दैट इज मॉलस्क, ये नहीं है, सही है। सिलाटर्सिका इज फाउंड। सिलाटर्सिका क्या है, ये बोन का डिप्रेशन है, ये बोन का डिप्रेशन है जहां पे पिट्यूटरी लोकेटेड होती है। कौन से बोन का डिप्रेशन है, स्पिनॉइड बोन का। ओके, दैट इज अ बोन, सही है। ओके, बढ़ते आगे, दैट इज बोन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज अ क्लोनिंग वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ डीएनए फ्रैगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट्स। ह्यूमन लिम्फोसाइट्स के अंदर, ह्यूमंस के जो लिम्फोसाइट उसके अंदर डालना है भाई। ओके, तो आप कौन सा वेक्टर यूज करोगे, तो एनिमल सेल को आपने मॉडिफाई करना है। तो एडिनोसिन डीएमए डेफिशिएंसी जहां पे एनसीईआरटी ने बताया, वहां पे हमने इसके बारे में बात की थी, दैट इज रेट्रोवायरस, वेरी गुड, एक्सलेंट। बढ़ते आगे, द फंक्शन ऑफ कॉपर आयन इन कॉपर रिलीजिंग आयोडीन इज। कॉपर आयन हम इसलिए लगाते हैं ताकि भाई स्पर्म जो है उसकी मोर्टेलिटी कम हो जाए, स्पर्म मर ही जाए डायरेक्टली, राइट, दैट इज वन, दे सप्रेस द स्पर्म मोर्टेलिटी एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ अ स्पर्म, सही है। Okay, बढ़ते आगे. The closest living relative of a bird. भाई बर्ड किससे मॉडिफाई हुए हैं? सही, बर्ड किससे मॉडिफाई होके इमीडिएट उसका प्रिसेडर्स कौन है? ओके, दैट इज क्रोकोडाइल. वेरी गुड बेटा. ओके, इसलिए तो इसके कुछ फीचर्स हमें बर्ड्स के ऊपर भी दिखाई देते हैं, राइट. बर्ड्स के पैरों पे भी स्केल्स होते हैं जो इनका फीचर्स था. ओके, बढ़ते आगे. द एक्सॉन्स आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स. एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स. ये चीज आपको किस में दिखाई देती है? जब एमआरएनए बनता है तो वो इमेच्योर फॉर्म में बनता है, जिसके बाद एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स दोनों होते हैं. उस इमेच्योर एमआरएनए को हम हेटेरोजीनस आरएनए भी कहते हैं, राइट. तो ये है आंसर, हेटेरोजीनस आरएनए. बी केयरफुल. यस, वेरी गुड बेटा. बढ़ते आगे. मोर देन 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस. राइस के कई सारे स्ट्रेन है हमारे पास, मैंगो की कई सारी स्ट्रेन है. ओके, ये जो स्ट्रेन की जो डाइवर्सिटी है ये किस में हमें दिखाई देती है, कौन से लेवल पे दिखाई देती है? तो राइस की ये जो डाइवर्सिटी है ये हमें दिखाई देती है जेनेटिक डाइवर्सिटी. वेरी गुड, दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी. गुड. विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन. बताइए बेटा, ऑक्सीजन के सिंथेसिस के लिए कौन चाहिए हमें? तो ध्यान से देखना, कौन चाहिए? जिंक चाहिए. कौन चाहिए? जिंक, राइट तो जिंक से हमें, इस तरीके से हमने इसको पढ़ा था कि भाई ज़ेब्रा ऑक्सीजन को पी रहा है, इस तरीके से हमने याद रखा था. बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं चाहिए. सही. Which among the following are the first land plants to possess complex? First land plant जिनके पास कॉम्प्लेक्स टिश्यू थे. सही है. पहले तो ब्रायोफाइट आए, जिनको हम कहते हैं एम्फीबियंस, राइट. प्लांट के एम्फीबियंस हम उनको कहते हैं. बात हो रही है कि फर्स्ट लैंड प्लांट जिनके पास कॉम्प्लेक्स टिश्यू थे, ये थे बेटा टेरिडोफाइट्स, राइट. ये थे टेरिडोफाइट्स. सही है. गुड. पेरिसाइकल इज नॉट प्रेजेंट इन. पेरिसाइकल किसमें प्रेजेंट नहीं होता? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई ये जो स्टेम है मोनोकॉट का, उसमें वैस्कुलर बंडल बहुत स्कैटर्ड होते, तो उसमें पेरिसाइकल आपको नहीं दिखाई देगा, उसमें पिथ आपको नहीं दिखाई देगा, ये कुछ भी आपको नहीं दिखाई देंगे. सो मोनोकॉट का स्टेम, ये सही है बेटा. ओके, इसमें वैस्कुलर बंडल ऐसे स्कैटर्ड होते हैं, ऐसे स्कैटर्ड होते हैं. ओके, इसमें आपको ये पेरिसाइकल, पीथ वगैरह कुछ भी नहीं दिखाई देगा. सही है. ओके, गुड. बी केयरफुल अबाउट दिस. ओके, ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है. ओके, बढ़ते आगे. 60 प्रोटोप्लास्ट. ये क्या है? प्रोटोप्लास्ट मतलब क्या भाई? नेकेड सेल. नेकेड सेल दीज आर सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एक ऐसा सेल जिसकी सेल वॉल निकाल दी गई है. A cell having only plasma, naked cell हम उसे कहते हैं. सही है. बढ़ते आगे. Which plant exhibit different shape of leaves? Different shape of leaves कौन exhibit करते हैं? तीनों. हेटरोफाइली हम इसे कह रहे हैं, प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल है. कॉटन, कोरिएंडर, बटरकप, लहसुन, चारों है. ओके, बट अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट पूछा है. अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट की अगर हम बात करें तो बटरकप. अकॉर्डिंग टू लाइफ स्टेज बाकी के तीन. सही है. गुड. बढ़ते आगे. अमंग द फॉलोइंग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोट व्हिच फंक्शंस एज अ बायोफर्टिलाइजर. मतलब कौन सा यार इनमें से ऐसा यूकैरियोट है जो एज अ बायोफर्टिलाइजर काम कर सकता है? तो एनाबीना भी है, बट दिस इज नॉट अ यूकैरियोट. यूकैरियोट के बारे में बात की जा रही है, तो दैट इज ग्लोमस. सही. यस, वेरी गुड बेटा. एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ना. सो एग्जामिनर चाहता है कि आप गलती करो, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. हर एक वर्ड को बहुत केयरफुली पढ़ना है. Which among the following statement is incorrect? Incorrect पूछा है. Incorrect. Endosperm is developed from egg cell. पहला incorrect है यार, ऐसा थोड़ी होता है. Embryo is developed from zygote. Okay. Pericarp is formed from the ovule. Ovule is developed from the seed. Okay. So that is first. सही है. Okay. Identify the pair of organisms that are autotrophic but lack photosynthetic pigment. मतलब ऑटोट्रॉपिक भी है लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे, मतलब लाइट एनर्जी का यूज करके नहीं अपना फूड बना रहे, केमिकल एनर्जी का यूज करके अपना फूड बना रहे, दैट इज कीमोट्रॉपिक, राइट. कीमोट्रॉपिक वो कौन है? नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोसोमोनस. सही है, राइट. नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोसोमोनस अमोनिया से नाइट्राइट बनाने वाले, राइट. नाइट्रोसोमोनस. सही है. ये क्या करता है? ऑक्सीडेशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. ओके, केमिकल एनर्जी को बाहर निकाल, उस जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है उसका यूज करके अपना फूड बनाता है. बढ़ते आगे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फंजाई? दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल. ये तो कहीं पे भी दिखाई देते. दे प्रिफर टू ग्रो इन अ वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस. बिल्कुल सही है. दे हैव लूज टिश्यू बॉडी ऑर्गन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ओके बी केयरफुल, ये भी सही है। ऑल फंजाई आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस बाय मोटेस्पोर, नहीं भाई, जैसे और भी फंजाई जैसे फाइकोमाइसिस एस्कोमाइसिस है ना, उसके पास क्या था कोनिडिया राइट, नॉन मोटाइल स्पोर्स होते, तो ऐसा नहीं है कि भाई इनके पास सभी के सभी मोटाइल है, तो ये गलत होगा, सही है ओके वेरी गुड। बढ़ते आगे, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इज कैटलाइज्ड बाय, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन करता है? यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे जो आरएनए है वो खुद पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कराता है, जो ऐसे बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं वो तो एंजाइम होते हैं, लेकिन ये आरएनए ऐसा है जो भाई एंजाइम नहीं है, दैट इज प्रोटीन नहीं है, लेकिन फिर भी एंजाइम के जैसे काम कर रहा है, उसे कहते हैं राइबोजाइम। दिस इज द पेप्टिडिल ट्रांसफर है, सही है ओके वेरी गुड। द क्रोमोसोम दैट हैव सैटेलाइट डीएनए, भाई ये जो क्रोमोसोम होता है, ये जो क्रोमोसोम है ऐसे जो यहाँ पे सेंट्रोमेर से अटैच है, इसके पास हमें ऐसे कंस्ट्रिक्शन दिखाई देता है, जिसे हम सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन मतलब सैटेलाइट डीएनए हम इसे कह रहे हैं, सही है। 23 इयर्स राइबोसोमल आरएनए प्रोक्रिएज, वेरी गुड बेटा यस। लाइकेस आर द एग्जांपल्स ऑफ, लाइकेस किस चीज का एग्जांपल है? लाइकेस आर द एग्जांपल्स ऑफ यस म्यूचुअलिज्म, भाई फंगस और अर्जी का म्यूचुअलिज्म है, सही है। बढ़ते आगे, अ प्लांट स्पीसीज ग्रोइंग इन एन एरिया हैज मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन अ सेपरेट इंडिविजुअल, इट कैन प्रिवेंट बोथ। मुझे लगता है इसमें हल्की सी यार आपके क्वेश्चन पेपर में थोड़ी गलती हुई थी इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करने में। अगर कोई स्पेसीज जिसके ऊपर भाई प्लांट मेल फ्लावर अलग प्लांट पे बन रहे, फीमेल फ्लावर अलग प्लांट पे बन रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? ऑटोगेमी गिटोनोगेमी दोनों को प्रिवेंट कर सकते हैं, सही है यस वेरी गुड। ऑटोगेमी गिटोनोगेमी दोनों प्रिवेंट करेगा, वो तो चाहता कि प्रिवेंट करे, इसलिए इसने इस टाइप से अपना मॉडिफिकेशन किया है। जैसे पपाया, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा ऐसा प्लांट है ये पूछा था इसके पहले नीट ने में, वो था पपाया, सही है। बढ़ते आगे, अ जेनेटिक डिसऑर्डर इन ह्यूमन इन विच देयर इज एक्सेस ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन, इट इज कॉल्ड एज, मतलब बीटा ग्लोबिन अल्फा और बीटा दो टाइप की चेन होती है, दो अल्फा दो बीटा चेन, दोनों इक्वल अमाउंट में होती है। यहाँ पे बीटा चेन ज्यादा है, अल्फा कम बन रही है, मतलब दिस डिसीज इज अल्फा थैलेसीमिया, अल्फा कम बन रही है मतलब अल्फा थैलेसीमिया, सही है। बीटा कम बनती तो बीटा थैलेसीमिया, सही है। यहाँ पे बीटा ज्यादा बन गई, अल्फा कम बन रही है, ओके यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बेटा। आइडेंटिफाई द फंजाई विच इज नॉट पैरासिटिक, नॉट पैरासिटिक की बात हो रही है भाई, कौन सा पैरासिटिक यहाँ पे नहीं है, तो कौन सा नहीं है? सैकरोमाइसिस सर्वेसिस, दिस इज सैप्रोफिटिक, दिस इज नॉट अ पैरासिटिक राइट, बाकी के तो पैरासिटिक है ओके। बढ़ते आगे, अ फॉल इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एक्टिवेट्स, जैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पे जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस भाई रेनी सिक्रेट करेंगे ताकि ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, सही है ओके वेरी गुड। बढ़ते आगे, द रेड मसल फाइबर डिफर फ्रॉम व्हाइट मसल फाइबर इन पजेसिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग, रेड मसल फाइबर और व्हाइट मसल, मतलब रेड मसल फाइबर के पास मायोग्लोबिन बहुत ज्यादा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है, मोस्टली कैरी एरोबिक ऑक्सीडेशन रेट की बात हो रही है राइट, ये गलत है। दे हैव मोर अमाउंट ऑफ सार्कोपेनेटिक ना, ये गलत है। बाकी के तीनों फीचर एनसीईआरटी ने दिए हैं, अरे किसी भी मसल में दोनों टाइप की फाइबर आपको मिल सकते हैं, रेड भी मिलेंगे व्हाइट भी मिलेंगे। रेड मसल फाइबर एरोबिकली अपना रेस्पिरेशन करते हैं, जबकि व्हाइट मसल फाइबर अनएरोबिकली अपना रेस्पिरेशन करते हैं, सही है। बढ़ते आगे, एपीकल्चर इज यूजफुल इन ऑल द फॉलोइंग, एपीकल्चर आपको बीवैक्स मिलेगा, क्रॉप यील्ड भी आपको मिलेगा राइट, प्रोड्यूसिंग वेनम ओके, इंक्रीजिंग पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स लाइक राइस व्हीट, भाई इसका नहीं ये करते, पॉलिनेशन नहीं करते, विंड पॉलिनेशन में रोल नहीं उनका ओके। बी पॉलिनेटिंग प्लांट में अपना मतलब ज्यादा वो ग्रो कराएंगे, क्रॉप यील्ड आपको ज्यादा मिलेगा, सही है सो ये। बढ़ते आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट मैच इज करेक्टली मैच है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी से थायरोसिन ये तो नहीं बनता, करेक्टली पूछा है ना ओके। अल्फा सेल और पेन के अल्फा सेल ग्लूकागॉन बनाएंगे, बिल्कुल सही है। थायराइड इपिनेफ्रिन बिल्कुल गलत। स्टमक एपिथेलियम सिक्रेटिन नहीं, सिक्रेटिन कौन सिक्रेट करता है ये बताइए जरा भाई, सिक्रेटिन कौन सिक्रेट कर रहा है यहाँ पे? यस वेरी गुड बेटा वेरी गुड, डिओडेनम, प्राउड ऑफ यू गुड। तो ये डिओडोरम सिक्रीट करता है. ओके, सिक्रीट. बढ़ते आगे. 76 आरएनए इंटरफेर इन आरएनए इंटरफेर द स्पेसिफिक एमआरएनए साइलेंस यूजिंग. बेटा आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में ध्यान से देखना, मतलब बायोटेक्नोलॉजी फेवरेट है एग्जामिनर का. यस, इट इज डबल स्टैंडर्ड आरएनए. गुड बेटा, दैट इज डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सही है आपका. 77 in case of a couple where the male has a very low sperm count, which technique will be suitable for fertilization? भाई एक मेल है, उसमें स्पर्म काउंट कम है, तो हम क्या करेंगे, उसके स्पर्म को आर्टिफिशियली निकालेंगे, आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन करेंगे, स्पर्म को बाहर एक्सट्रैक्ट करेंगे और वो फीमेल में हम इंसेमिनेशन करेंगे, डिपॉजिट कर देंगे, कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. ओके, डिपॉजिशन ऑफ सीमेन इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इट इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन. ये हम आर्टिफिशियल कर रहे हैं, कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वैसेक्टोमी? के बारे में इनकरेक्ट पूछा है. वैसेक्टोमी जिसकी हुई है उसमें नो स्पर्म विल फाइंड इन अ सेमिनल फ्लूइड, सेमिनल फ्लूइड में स्पर्म नहीं रहेंगे, सेमिनल फ्लूइड तो बनेगा, ये तो सही है. ओके, नो स्पर्म विल बी देयर इन एपिडिडर्मिस, एपिडिडर्मिस में क्यों नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, हम तो वैसा डिफरेंस को कट कर रहे हैं, एपिडिडर्मिस के बाद वैसा डिफरेंस आएंगी तो एपिडिडर्मिस में स्पर्म तो हमें दिखेंगे. ओके, ये गलत हो गया, वैसा डिफरेंस कट करते हैं, रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर, ये सही. यस, बिल्कुल सही. ओके, बढ़ते आगे. 79 which of the following is not absorbed in a large intestine? भाई लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, ये बात आपने याद रखना. तो वाटर एब्जॉर्ब होंगे, मिनरल्स एब्जॉर्ब होंगे, ड्रग्स कुछ रहे वो भी एब्जॉर्ब होंगे, ट्राइग्लिसराइड नहीं, इनका यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इनका स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, ट्राइग्लिसराइड. बढ़ते आगे. पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज लोकेटेड इन, हार्ट के पास भाई 4 चेंबर है. ओके, उसमें राइट एट्रियम के पास ये पेस मेकर दैट इज ऐसे नोड होता है, दैट इज राइट अपर कॉर्नर पर राइट एट्रियम, सही है. ओके, बढ़ते आगे. मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल विच आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट. ये कौन है बेटा? सिंपल साइंस, एग्जैक्टली कॉपी है अपने पेरेंट की. ये कौन है? सिंपल सिंपल है ना. यस, ये क्लोन्स है. ये कौन है? ये क्लोन्स है. बढ़ते आगे. ऑल ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर सीक्रेटेड इन ह्यूमन फीमेल्स ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सेप्ट. भाई सिर्फ प्रेगनेंसी के बाद कौन से सीक्रेट होंगे? रिलैक्सिन हार्मोन. नॉट रिलैक्सिंग, नहीं, रिलैक्सिन. ओके, ये सही है. ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये सही है. ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ये भी सही है. प्रोजेस्टेरोन ऐसे थोड़ी है कि सिर्फ प्रेगनेंसी में सीक्रेट होगा, हर मंथ तो सीक्रेट हो रहा है, उसकी लेवल कम हो रही है, इसलिए मेंस्ट्रुएशन हो रहा है. सो दैट इज ट्रू. बढ़ते आगे. 83 Which of the following organic substance bound to an enzyme is essential for enzymatic activity? भाई जो होलो एंजाइम होता है वो बना हुआ होता है एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम से, तो इसका होना जरूर है ताकि एंजाइम की एक्टिविटी बने. ओके, बिल्कुल सही बात. बढ़ते आगे. A woman was diagnosed with a plasma calcium by level below optimum level, मतलब कैल्शियम कम है. Hyposecretion by which gland is likely to a reason for her condition? बट किसका secretion कम हो रहा है, तो यहां पे हमें यह दिखाई दे रहा है कि उसका कैल्शियम कम हो गया है. बताइए जरा, है ना, ये बताइए जरा, मतलब कौन से ग्लैंड का सिक्रेशन होता है तो ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ता है, वो ग्लैंड अपना काम नहीं कर रही इसलिए अब कैल्शियम कम हो गया. कौन है? पैराथॉर्मोन, पैराथायराइड ग्लैंड सिक्रेट करती है, सही है. ध्यान से देखना, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, कैल्सिटोनिन ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है. कैल्सिटोनिन कैंसर्स ब्लड कैल्शियम लेवल, ये मैंने ट्रिक आपको बताई थी. तो कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन में कंफ्यूज नहीं होना, राइट. पैराथॉर्मोन ब्लड में कैल्शियम की लेवल बढ़ाता है, यहाँ पे पैराथॉर्मोन बन नहीं रहा इसलिए लेवल कम है. विच पार्ट ऑफ अ ह्यूमन ईयर प्लेज नो रोल, कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है. ऑर्गन ऑफ कॉर्टा है तो बिल्कुल प्ले कर रहा है. ईयर ऑसिकल, अरे बहुत इंपॉर्टेंट. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वे वाइब्रेट कर रही है. कौन नहीं प्ले कर रहा? वेस्टिबुलर एपरेटस, जो एक्चुअल में जिसका काम है आपको बैलेंसिंग प्रोवाइड करना, सही है. ओके, बढ़ते आगे. अ न्यू वेराइटी ऑफ राइस वॉज प्रोड्यूस बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इज हेल्पफुल टू प्रिवेंट नाइट ब्लाइंडनेस. भाई नाइट ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करता है ये कौन? जिसके पास विटामिन ए है, क्योंकि रोडोप्सिन इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ रेटिनॉल एल्डिहाइड. तो ये कौन है? दैट इज विटामिन ए. तो विटामिन ए किसके पास है? गोल्डन राइस, सही है. ओके, 87. Which of the following feature is not an adaptation of a hind limb of a bird? फोर लिम्ब डेवलप हुए हैं फॉर द फ्लाइंग पर्पस, विंग्स में डेवलप हुए फोर लिम्ब। हाइंड लिम्ब वॉकिंग, स्विमिंग, पर्चिंग करेंगे, फ्लाइंग नहीं करेंगे। ओके, सही है। ओके, बढ़ते आगे। डीएनए हाइब्रिडाइजेशन ऑकर्स इन व्हिच स्टेप ऑफ अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन? डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन, तीन स्टेप है। डीएनए में दोनों डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट। डीएनए हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पे होगा? एनीलिंग में होगा, दैट इज एनीलिंग विच इज मतलब एनीलिंग स्टेप में ये चीज होगी हाइब्रिडाइजेशन की। सही है, ओके, बी केयरफुल। पीसीआर से एमसीक्यू आने की संभावना बहुत ज्यादा है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। जोसेफ प्रिस्ली कंक्लूडेड दैट, ये कैंडल वाला एक्सपेरिमेंट राइट, दैट इट कंक्लूडेड दैट द रिस्टोर्स द एयर व्हाट एवर ब्रीदिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल रिमूव। प्रिस्ली ने प्योर एयर के बारे में बात की थी, मेरी बात ध्यान से सुनना। वो जो प्योर एयर है वो ऑक्सीजन है, प्रिस्ले को नहीं पता था। एक बार फिर से बता दो, प्रिस्ले ने बात की कि भाई प्लांट जो है प्योर एयर को बनाते हैं, एयर क्वालिटी को रिस्टोर करते हैं। प्रिस्ले ने प्योर एयर के बारे में बात की, पी फॉर प्रिस्ले, पी फॉर प्योर एयर। उसके बाद हमने इंजन हाउस का एक्सपेरिमेंट देखा, जहां पे उन्होंने बताया कि यहाँ पे प्लांट जो है ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। तो हमने इसका ट्रिक देखी थी कि इंजन हाउस के घर में हाउस इज फुल ऑफ ऑक्सीजन के बबल, तो ऑक्सीजन के डिस्कवरी इंजन हाउस के द्वारा की गई थी। ओके, तो ये तो भाई दोनों सही है। ए कॉर्नेस वैंडिन इंफर्ड दैट द ऑक्सीजन इवॉल्व्ड बाय द ग्रीन प्रेस कम्स फ्रॉम द वाटर नॉट फ्रॉम द CO2, ये भी सही है। कीवी इंगलमैन ने इंग्लिश में एक्शन का स्पेक्ट्रम दिया, ये हमने ट्रिक देखी थी। ही स्टडीड द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लैडोफोरा इन प्रेजेंस ऑफ अनएरोबिक, नहीं एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया। ओके, सो एग्जामिनर इज ट्राइंग टू कंफ्यूज यू, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ग्रीन मफलर स्कीम, ग्रीन मफलर मतलब क्या हो? कान को बांधने वाला ग्रीन नहीं, मतलब यहाँ पे ट्री प्लांटेशन हम करते हैं रो में, ताकि नॉइज का रिडक्शन कम हो जाए। सही है, ताकि नॉइज का रिडक्शन कम हो जाए। सही है बेटा, ओके। मेथड टू रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन, टर्गर प्रेशर इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर, बट टर्गर प्रेशर इतना नहीं होता कि बल्ब फ्लो सिस्टम को वो मूव कर जाए, उसके लिए तो वो जो हम बात कर रहे थे ट्रांसमिशन, उसमें सब बल्ब फ्लो होगा, ये टर्गर प्रेशर नहीं करेगा बल्ब फ्लो। टर्गर प्रेशर किस चीज का रिस्पॉन्सिबल फॉर? एनलार्जमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ ग्रोथ ऑफ अ सेल, सही, इंडिविजुअल सेल की ग्रोथ के लिए चीज जरूरी है, दैट इज ट्रू। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स कंप्लीटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ माइटोसिस? कंडेंसेशन बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है। क्रोमोसोम को स्टडी करना चाहो तो कर सकते हो, कौन सी स्टेज है? दैट इज, यस, दैट इज मेटाफेज। ओके, वेरी गुड। अनआइसोगैमस स्टेप, बेटा ये आइसोगैमी, अनआइसोगैमी, ओगैमी, इसके बारे में ध्यान से देख लेना। ओके, इसके ऊपर एमसीक्यू आएगा। ओके, अनआइसोगैमी यूडोरिना, सही है। ओके, ग्रीन अलजी है, क्लोरोफाइसिए, यूडोरिना। फ्यूकस वोल्वोक्स, ये दोनों ओगैमी है, वो भी हमने देखा था। रिगार्डिंग द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम फाइंड द ऑड वन आउट। पंपकिन, कुकम्बर, ग्रेपवाइन, ये सभी कौन सा ऑड वन है इसमें से? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, दैट इज स्वीट पी, वेरी गुड, एक्सेलेंट। Select the incorrect statement. In unicellular organisms, reproduction is synonymous with the growth. Okay. Mosses can reproduce by fragmentation. Okay, very good. Metabolism is a defining feature of a living organism. Okay, very good. Growth is a defining feature of living organism seen in all organisms. नहीं भाई, ये गलत, डिफाइनिंग फीचर नहीं ग्रोथ। ग्रोथ का तो भाई, ग्रोथ जो माउंटेन की भी होती है, एनसीईआरटी कहती है कोई ग्रो कर रहा है मतलब वो लिविंग है, ऐसा नहीं है। 96. Which of the following algae are found at a shallowest and greatest depth? शॉलो डेप्थ में हमें ग्रीन अलजी मिल जाती है और ग्रेटेस्ट डेप्थ में हमें मिल जाती है रेड अलजी। सही है, ओके, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब बढ़ते आगे। वेजिटेटिव प्रोपोगेल, ये भाई रिपीट हो रहा है, ये बताइए जरा इसका वेजिटेटिव प्रोपोगेल कौन सा है? ये बहुत बार रिपीट हुआ हुआ एमसीक्यू है, क्या बात है, वेरी गुड, दैट इज 4। ओके, गुड, बहुत सही जा रहे हो। आइडेंटिफाई द रॉन्गली मैच वेयर, रॉन्गली मैच पूछा है। न्यूरोस्पोरा प्रोड्यूसेस एस्कोस्पोर्स, ये सही है। ओके, न्यूरोस्पोरा हम जेनेटिक स्टडी के लिए भी यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर एमसीक्यू नया है, आ सकता है। ओके, अल्बिनो, राइजोपस अल्बिनो, म्यूकर, दीज आर द मेंबर ऑफ फाइकोमाइसेट, बिल्कुल सही। ट्रिपैनोसोमा, बिल्कुल सही, डिसीज कॉजिंग प्रोटिस्ट है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज कर रहा है। ओके, वेरिएट कॉजेस टोबैको मोज़ेक डिसीज, नहीं, यस, इस पे क्या होना था? पोटैटो, सही है, तो ये गलत। ओके, बढ़ते आगे। जीन म्यूटेशन क्या है? जीन म्यूटेशन मतलब इट इज द अल्टरेशन ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ड्यू टू चेंज इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आपने चेंज कर लिया, दैट इज व्हाट इज द म्यूटेशन इज, दैट इज व्हाट इज द म्यूटेशन इज, सही है। बढ़ते आगे, विच ऑफ द गिवन इज अ मेजर इफेक्ट ऑफ अ डिफॉरेस्टेशन? ये बताइए जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज द मेजर इफेक्ट ऑफ अ डिफॉरेस्टेशन? क्या बात है, वेरी गुड। इंक्रीज इन CO2 कॉन्सेंट्रेशन, वेरी गुड बेटा। चलो, इसी के साथ अपनी आज की ये लास्ट मॉक टेस्ट थी बेटा। अगर मेरी आप ध्यान से इस बात सुनोगे, आप किसी को भी पूछ लो जिसने एग्जाम क्रैक की है, कोई यूट्यूब वाला टॉपर नहीं, जिसने एक्चुअल में एग्जाम क्रैक किया, जो यूट्यूब पे नहीं पढ़ाते उसको, उससे आप बात कीजिएगा। इसके बाद मॉक टेस्ट देना ये मैं एडवाइस नहीं करता हूं। आज के दिन के बाद हार्डली 4 से 5 दिन बचे हैं, इट इज नॉट एडवाइजेबल थिंग। आपको देना है तो आप कल भी दे दो अगर कोई मॉक टेस्ट देना चाहते हो, लेकिन ये अपनी मॉक टेस्ट थी। इसके बाद आपने बहुत ज्यादा सेल्फ स्टडी के ऊपर आपने फोकस करना है। नए MCQ अब मत ट्राई करना, अभी जो आपने पढ़ा है उसको आपने रिवाइज करना है। ओके, मैंने अभी भी देखा है कि कुछ लोग अभी भी नए MCQ ट्राई कर रहे हैं। नहीं बेटा, अभी आपने जो ऑलरेडी पढ़ा है उसको आप रिवाइज करें। ऑलरेडी आपने कुछ MCQ सोल्व किए होंगे, उसमें जो आपसे नहीं बन रहे थे उसके ऊपर आपने कुछ टिक मार्क किया होगा, वो पढ़ो कि भाई हाँ ये पढ़ने हैं मुझे, ये मेरे गलत हुए थे जब मैंने सॉल्व किए थे। लेकिन इसके बाद मॉक टेस्ट देना मैं एडवाइस नहीं करता हूँ। कोई भी टॉपर किसी भी एग्जाम का पूछ लो, वो एडवाइस नहीं करेगा। ये बहुत परफेक्ट टाइम होता है जहां पे आपकी एक्सक्लूसिव रिवीजन चलनी चाहिए। एक्सक्लूसिव मतलब एक्सक्लूसिव, जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। इसके बाद मॉक टेस्ट, दैट्स व्हाई ये अपनी लास्ट मॉक टेस्ट थी। मैं तो डेली मॉक टेस्ट ले सकता हूँ बेटा। ओके, और यहाँ पे तो व्यूज ही व्यूज आ जाते हैं अगर यूट्यूब को ग्रो करना है, लेकिन उसमें आपका नुकसान है बेटा, उसमें आपका नुकसान है। तो हम यहाँ पे रुक रहे हैं। इसके बाद मॉक टेस्ट आपकी बायोलॉजी बॉम्ब इस चैनल पे कंडक्ट नहीं होगी, क्योंकि ये आपके लिए सबसे बेहतरीन डिसीजन है मेरी तरफ से लिया जाने वाला। रिवीजन के ऊपर फोकस कीजिए बेटा। ओके ओके, इसके बाद इंडिविजुअल लेक्चर आपको जरूर मिलेंगे। मैं एक वीडियो जरूर रिलीज करूंगा, कुछ शॉर्ट वीडियो भी आपको मिलेंगे। शॉर्ट वीडियो आप देख सकते हो, 1 मिनट का टाइम लगता है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर उससे आउटपुट आपको मिलेगा। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड आपको MCQ मतलब वीडियोस मिलेंगे। अगर वो टॉपिक आपका डिफिकल्ट जा रहा है आपको, तभी उसको देखें, नहीं तो उसको ना देखें। ओके, सही है। चलो, दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन बेटा। ये अपनी मॉक टेस्ट थी, आप लोगों ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। आपको ईमेल में आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, सही है। चलो बेटा, 1 मिनट आपको, यस, चलो इसी के साथ आज के सेशन को हम एंड कर रहे हैं। दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, जय हो। राइट इन द कमेंट सेक्शन, जय हो बेटा। ओके, हम मचा के आएंगे, सिलेक्शन तो लेकर रहेंगे। जय हो, जय हो, जय हो। बाय बाय बेटा, टेक केयर, गुड नाइट।